लैपटॉप बनाने वाली कंपनी एसर की इलेक्ट्रिक स्कूटर अनवील एसर मूवी 125 4G फुल चार्ज में 80 किलोमीटर की रेंज 1,00,000 रुपए से होगी यहाँ पे कीमत। जी हाँ दोस्तों, बता दें स्कूटर लॉन्च हो चुका है। लैपटॉप बनाने वाली कंपनी जो है लॉन्च किया है नया इलेक्ट्रिक स्कूटर मूवी 125 4G स्कूटर लॉन्च हो चुका है। 80 किलोमीटर की रेंज देगा आपको सिंगल बैटरी वाला, जबकि डबल बैटरी वाला 200 किलोमीटर की दमदार रेंज आपको देखने को मिल जाता है। आइए जानते हैं इसकी कीमत से लेकर के रेंज और सब कुछ डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इस जो रिपोर्ट हम बता रहे हैं दैनिक भास्कर की तरफ से जो है बताया जा रहा है, कंपनी जो है ये दैनिक भास्कर में जो है इसको छपवाया गया है। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। आइए पहले गाड़ी का एक फर्स्ट लुक देखते हैं। तो बात करते हैं, तो ये रहा एसर का आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर, एसर आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल जो है ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से ये जो है पूरे फोटो को लिया गया है, पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देख लीजिए। ब्लैक कलर का गाड़ी है, यहाँ पे लॉन्च किया गया है, वाइट कलर में भी आपको देखने को मिल जाएगा ये गाड़ी। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो बात करते हैं, लैपटॉप बनाने वाली ताइवान के टेक कंपनी एसर ने भारत में मूवी 125 4G ई स्कूटर को अनवील कर दिया है, यानी कि लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज कीजिएगा 80 किलोमीटर की रेंज देगा, जबकि डबल बैटरी वाला 200 किलोमीटर तक का रेंज देता है। वहीं नहीं, आपको बता दें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में बता दें दोस्तों कि अनवील कर दिया गया है। आज बताया गया है कि मूवी 125 4G की मैन्युफैक्चरिंग इंडियन ईवी स्टार्टअप ई गो बाइक करेगी, जो कि एसर ईवी की लाइसेंस कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें एसर कंपनी का ही जो है ई बाइक गो है, उसी को जो है यहाँ पे टेंडर दिया गया है, वही कम गाड़ी को जो है बना रही है, पूरी बनाने की टेंडर उन्हीं को मिला है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो थिंक ई बाइको प्राइवेट लिमिटेड के CEO डॉक्टर इरफान खान का कहना है कि कंपनी भविष्य में जो है ई साइकिल और ई बाइक जैसे 2 और 3 व्हील वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जो है लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में 3 व्हील का भी जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की जो है उम्मीद बताया जा रहा है कंपनी के तरफ से। गाड़ी आपको बोले थे व्हाइट कलर का, ये भी देख लीजिए, ये गाड़ी आपको व्हाइट एंड ब्लैक कलर का है, अलग अलग कलर में देखने को मिलता है। देखिए डिस्क ब्रेक के साथ गाड़ी लॉन्च किया है, काफ़ी सुंदर हेडलाइट है, गाड़ी की मॉडल अच्छा है, सीट देख लीजिए किस तरह से बनाया गया है, अप एंड डाउन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो है गाड़ी बनाया गया है, काफ़ी स्टैंडर्ड है, काफ़ी अच्छा है। आइए इसके बारे में और बात करते हैं आगे। तो बात किया जाए दोस्तों, तो एसर मूवी 125 4G के प्राइज और राइवल के बारे में, तो स्कूटर को जो है जल्द ही इंडियन मार्केट में 99,999 रुपये की एक शोरूम कीमत में उतारा जाएगा। वहीं नहीं, कंपनी जो है मूवी 125 4G की देश में बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार से सब्सिडी पाने के लिए FAME II के नियमों को पालन करेगी। एसर मूवी 125 4G के लिए प्री बुकिंग जो है जल्द ही लाइव कर दिया जाएगा और सभी ऑर्डर ऑफिशियल डीलर के माध्यम से किए जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बता दें 99,999 में मिलेगा, इसमें सरकार के तरफ से आपको सब्सिडी भी मिलेगा, इस बात को भी कंपनी ने बता दिया है। वहीं नहीं, इसको बुक करने के लिए जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप जो है इनके ऑथराइज्ड शोरूम से जा करके, एसर के शोरूम से जा करके बुक करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 1,00,000 रुपये से कम कीमत वाले बजट सेगमेंट में एंट्री हो चुका है। ये स्कूटर ओला S1 और प्योर EV एथर एनर्जी 450 हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर ओकिनावा और ओकाया और जो इलेक्ट्रिक स्कूटर से टक्कर होने वाला है। तो इतने सारे स्कूटर से सीधा सीधा इनका टक्कर हो रहा है, ओला एथर ओकिनावा जो सभी स्कूटर से इनकी टक्कर होने वाली है, इतना मजबूत गाड़ी बनाया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो एसर मूवी 125 4G के डिज़ाइन और फीचर्स के बारे में, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट में जो है राउट शेप का LED हेडलैम्प दिया गया है, हल्का चेचिस बनाया गया है, 16 इंच का जो है 7 स्पोक एलॉय व्हील दिया गया है। वहीं कस्टमाइजेशन डिजाइन फीचर्स के साथ और कनेक्ट तकनीकी भी शामिल है। वहीं नए ब्रेकिंग के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो है दोनों एलॉय व्हील पर डिस्क ब्रेक लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, डिस्क ब्रेक आपको आगे और पीछे दोनों व्हील पर देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो कंफर्ट राइडिंग के लिए जो है फ्रंट में टेलीस्कोपिंग फॉर्क और रियर में एडजस्टेबल मोनोसॉर्क एडजस्टर मिलता है। वहीं स्कूटर 3 कलर में जो है अवेलेबल किया गया है, इसमें से पहला जो है पोलर व्हाइट कलर मिल जाएगा, दूसरा है कार्बन ब्लैक
और तीसरा ग्लेशियर सिल्वर कलर में शामिल है। तो टोटल तीन कलर के साथ ये गाड़ी लॉन्च कर दिया गया है जो कि काफ़ी सुंदर है। आगे हम लोग बात करते हैं तो एसर मूवी 125 4G की परफॉर्मेंस के बारे में। तो मूवी 125 4G इलेक्ट्रिक स्कूटर परफॉर्मेंस के लिए जो है एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो रियर व्हील पर जो है बेल्ट से कनेक्ट होता है। कंपनी का दावा है कि जो यह स्कूटर 75 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकता है। तो स्पीड भी काफ़ी अच्छा है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। वहीं नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर में पावर देने के लिए स्वैपेबल बैटरी का यूज किया गया है। वहीं जिसे एक बार फुल चार्ज कीजिएगा 80 किलोमीटर की रेंज देगा और डबल बैटरी अगर आप लेते हैं तो 200 किलोमीटर की शानदार माइलेज आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो एसर कंपनी जो है नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है मूवी 125 4G को। बहुत ही बढ़िया है, बुकिंग जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आप भी बुक करवाना चाहते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर इनके जो है ऑथराइज डीलरशिप से भी जा करके आप बुक करवा सकते हैं। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।